हे गाइस, एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा। अज असी अकोमोडेशन ऑपरेशन फाउंडेशन टू दा चैप्टर टाइप्स कंपोजिशन एंड क्लीनिंग ऑफ हार्ड सर्फेसिस दे विच मेटल असी पढ़ लिया सीगा, इहदे बारे भी जान लिया सीगा। ठीक है, सो अज मेटल तो बाद असी अज पढ़न जा रहे हैं। ये सब कुछ मैं करवा चुका हाँ, वीडियो पुरानी देख सकते हो। ग्लास, सो अज का टॉपिक है ग्लास। सो टूडे नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ग्लास। सो एज पर यू हैव डिस्प्लेड, ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट लूस्ट्रियस एंड ब्रिटल मटीरियल मेड फ्रॉम सिलिका और सैंड, ए मिक्सचर ऑफ प्योर फाइन सैंड सोडा और पोटाश एंड अदर इनग्रीडियंट्स is carefully measured out. This is called batch. Okay, the batch is fed into a furnace and heated to an extremely high temperature above 1300 degree Celsius, where it fuses into molten glass. From the furnace, the molten glass is led away for shaping. After shaping, the glass is cooled by a process called annealing, in which the glass travels on a conveyor belt through an annealing oven. In the annealing oven, after the initial reheating, the glass gradually cools as it passes through. Glass is used to making doors, window, furniture, vases, lighting fixtures, mirrors, partitions, tableware, kitchenware and bottles. सो कहते ग्लास की हुंदा आ, ग्लास जिहड़ा एक ट्रांसपेरेंट एक ब्रिटल मटीरियल हुंदा आ जिहड़ा कि सिलिका ते सैंड द्वारा बनाया जांदा है। ठीक है, सिलिका जिहड़ा हुंदा आ सिलिकॉन ते सैंड तो बनया ग्लास बनदा आ। इहदे विच की कीता जांदा आ कि जिहड़ा सैंड हुंदा आ, सोडा हुंदा आ ते पोटाश हुंदे आ ते होर कुछ इनग्रीडियंट्स इहदे विच कैमिकल पाए जांदे ने, इन्हां नूं घोलिया जांदा है। कैमिकल दे नूं बैच कहिंदे आ जिहड़ा घोल के तैयार किया जाता है। ये बैच नूं फिर हीट किया जाता है हाई टैंपरेचर ते 1300 डिग्री सैलसीयस तो उपरले टैंपरेचर ते हीट किया जाता है ते इन्हां फिर हीट करन तो बाद इहनूं गलास की शेप दे दित्ती जाती है। ठीक है, गलास की शेप दित्ती जाती है, शेप देने तो बाद फिर इहनूं कूल किया जाता है। कूल करने वाले प्रोसैस में कहें एनीअलिंग। ठीक है, एनीअलिंग की जाती है उन्होंने वो करने के लिए इनू एक कन्वेयर बैल्ट के थ्रू जोड़ा इनू ओवन के जोड़ा ये गुजारिया जाता है। ठीक है, ओवन तो बाद फिर इनू फिर रीहीट किया जाता है तो फिर इनू फिर ठंडा किया जाता है और गुजार के दोबारा दो बार यदा प्रोसैस किया जाता एनीअलिंग का। तो गलास कर यूज़ किया जाता डोर दरवाजे खिड़कियाँ होर समान जिदा बेसज हो गए। ठीक है, लाइटिंग फिक्चर्स हो गए, मिरर हो गए बनाने ग्लास का यूज़ किया जाता है। सो नाउ ग्लास, फ्लैट ग्लास होंगे, फाइबर ग्लास होंगे, ऑब्सट्रक्ट ग्लास होंगे, होलो ग्लास वेयर होंगे, सेफ्टी ग्लास, कट ग्लास, सीट ग्लास, फ्लोट ग्लास। ठीक है, काफ़ी तरह के ग्लास जिदा ऑब्सक्योर्ड ग्लास विद वायर वाले भी होंगे, टच एंड ग्लास, लैमीनेटड ग्लास, टच एंड लैमीनेटड ग्लास। ਬੈਟਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਵੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਲਾਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਆਫਟਰ ਐਨੀਅਲਿੰਗ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਅਨਡਿਸਟੋਰਟਡ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀਜ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਯੂਜਡ ਇਨ ਸ਼ੋਪ ਵਿੰਡੋ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰਿੰਗ ਫੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ। Secondly, fiber glass. Glass can be manufactured as a textile fiber, which may be used for making curtains and fire blankets. Fiber glass may also be manufactured as rigid sheets of plastic or other material with glass filaments embedded for strength. These sheets can be molded and are used for sanitary ware, furniture, and wall panels. Fiber glass is fireproof, impermeable and resistant to damage by pest, sunlight or air. Okay, it's fiber glass.
थर्ड वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ऑब्स्कर्ड ग्लास. दिस इज ए टाइप एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम शीट और फ्लोट ग्लास. इट इज टेक्सचर ऑन वन साइड सो दैट सम लाइट पासेस थ्रो एंड सम इज ब्लॉक्ड और डिस्टॉर्टेड. सो दैट इज मटीरियल इज नॉट एंटायरली ट्रांसपेरेंट. The pattern is produced when molten glass is made to flow from the furnace between embossed rollers. Obscured glass is used in making bathroom windows and for screening area where privacy or diffused light are desired. That is obscured glass. Hollow glassware. This is produced by blowing, molding and pressing molten glass into the desired shapes. Cast or molds of wood or iron are often used for shaping the glass. The molds may be pattern giving an imitation cut glass effect which is very even and smooth edge unlike the real thing. Blown glass shaped may be less regular and call for more skill in the person using a pipe to literally blow the glass bubble into shape before it solidifies. Now, safety glass. This is another kind of glass that is made for sheet or float glass in various ways. Obscured glass with wire. Wire is incorporated in obscured glass during the rolling process. If broken, the glass pieces will be held in place by the wire until knocked out of the frame for repair. Laminated glass. This consists of two thin sheets of glass with a transparent plastic sandwich which is between them. If a laminated glass sheet breaks, the glass pieces will adhere to the plastic layer. Touch and glass. This is made by heating the glass sheet to a temperature just below softening point and then cooling the surface rapidly. As a result, a skin is formed which is, if the glass breaks, will cause the pieces of shatter into tiny, harmful fragments that will be less likely to fall out of its frame as their weight is easily supported. Toughened glass. Toughened and laminated glass. This safety glass is made by the combination of the above mentioned two method of laminating and toughing. This combination creates a glass 5 times tougher than other safety glasses. Wow. Cut glass. This is produced by hand cutting shaped glass articles using abrasive copper wheels that rotate at a very high speed. The cuts have a matte surface in the beginning from being ground, but become highly reflective when polished. Cut glass is polished by treating the entire article with acid hand cut lead. Crystal glass has a prismatic grooves that emit rainbow colored reflections. This glass is expensive and used for chandeliers, decanters, vases and quality table glassware. Glass can also be decorated by the somewhat similar process of etching. In this process, the article is coated with a protective wax and a pattern is cut into the wax with a steel needle. On immersing the article is in an acid bath, the acid eats into the unprotective pattern area. So that is glass. There are many types of glasses here. I have explained all type of glasses and sent notes to you. Glass.